तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ। जो ये मोदियों के मकान है ना भाई, बहुत ख़तरनाक हैं। ये नीचे से लेके ऊपर तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारा जो ऊपर का कमरा है ना, तो हमारे नीचे जो रहते हैं तो दो जनों को परेशानी, मतलब सीलन वीलन की परेशानी आती है। यानी दो जने रहते हैं हमारे एक कमरे में, नीचे के दो कमरे टच में हैं। तो अगर सीलन वगैरह आती है तो वो परेशान हो जाते हैं, या बारिश का पानी जो भी है, क्योंकि बहुत पुराने मकान है ना। हमारी गलती है ना नीचे वालों की गलती है, और कोई लड़ना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि आस पड़ोस में लड़े भाई, क्योंकि अपने घर की उलझने इतनी सारी है कि दूसरों से लड़ाई करने का है ही नहीं, क्योंकि अपने घर में उलझ रखे हैं हम बहुत ख़तरनाक तरीके से। तो इसलिए भैया, ये जो मोदियों के मकान है ना, तो खुद समझदारी रखो कि भाई ये एक दूसरे से टच हैं, और बहुत पुराने मकान हैं। कितना भी कर लिया रिपेयर, लेकिन किनारियों में से है प्रॉब्लम, तो भाई आपकी सीलन आती है। तो भाई समझना चाहिए नीचे वालों को भी, और समझना चाहिए ऊपर वालों को भी। ऊपर वालों ने बहुत बार करवा दिया, ये कितनी बार हो गया हमारे यहाँ फरस का, लेकिन नीचे वालों के सीलन नहीं गई। मैं उनकी बात भी ऊपर रखती हूँ कि भाई उनकी परेशानी है, तब जाके वो भी बोलते होंगे। और क्या कहते हैं, क्या करें, अब मेरा भी मन करता है कि बस सही कर दें और किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो। यार बहुत गंदा लगता है लड़ाई झगड़ा। हम अपने घर में दो रोटी चैन से, मेरे को सुकून से मिलनी चाहिए। अब ये चूहा महाराज जी आ रहे हैं, इन्हें रोटी दे देती हूँ ये वाली ईवी की। लो ले जाओ ले जाओ। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, मोदियों के जो मकान खरीदेगा ना भाई, सोच समझ के खरीद लेना, क्योंकि बहुत लोचाए धर्म के मकान में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि तुम्हारा अड़ोस पड़ोस बेकार है, ये नहीं कि सबका अड़ोस पड़ोस एक समान है, कहीं भी चले जाओ, लेकिन भाई ये जो मकान एक दूसरे से टच है ना, उसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस मकान की। तो इसलिए जब भी कोई मोदियों का मकान खरीदे, तो सोच और समझ के खरीदना, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और किनारों की जो सीलन है वो पूरी लड़ाई की जड़ है, वो ख़त्म नहीं हो पा रही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा प्लीज़।